बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है कि हम मिड पॉइंट जो है उसको हम क्लास बाउंड्रीज में कैसे चेंज करते हैं। पहले हमें ये तो पता है कि जो क्लास बाउंड्रीज हैं उसको मिड पॉइंट में कैसे चेंज करते हैं, या क्लास लिमिट्स हैं उसको मिड पॉइंट में कैसे चेंज करते हैं, या मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है कि दोनों को हम ऐड करके बाउंड्रीज या लिमिट्स को और दो पे आप डिवाइड कर देते थे, मिड पॉइंट तो आ जाता था। अब है कि अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है और उसको हमें बाउंड्रीज में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर वो आपको मिड पॉइंट देगा जबकि क्वेश्चन के अंदर आपको क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ेगी और वो आपको कहेगा कि ये आप करें। अब उसके लिए फिर हमें क्लास बाउंड्रीज तो है नहीं, तो हमें फिर वहां जरूरत पड़ेगी कि हम उस मिड पॉइंट को सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज में चेंज करें, और ताकि हम क्वेश्चन के अंदर उसमें जो डेटा, जैसे कि आप कह लें कि जैसे मीडियन फाइंड करना होता है तो मीडियन के अंदर ये यूज होती है क्लास बाउंड्रीज। अब उसमें अगर वो मिड पॉइंट दे देता आपको तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा सारा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो होता है वो मॉड आपने फाइंड करना होता है तो मॉड के अंदर भी आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, तो उसमें भी हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ेगी, तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये एक बड़ा अजीब सा एक सवाल है जो कि अक्सर काफ़ी बार अगर ना पता हो तो ये फिर वैसे नॉर्मली क्वेश्चन किए होते हैं, लेकिन अगर इस तरह हो कि मिड पॉइंट दे दे तो फिर प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है। जैसे क्लास लिमिट्स को हम क्लास बाउंड्रीज में चेंज करते हैं, तो इसी तरीके से हम अब यहाँ पे क्लास जो मिड पॉइंट है उससे हम क्लास बाउंड्रीज में भी इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज कर लें आपके पास ये कुछ डेटा दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे है जी 15, 25, 35, 45 और 55, और फ्रीक्वेंसी आगे इसकी ये दे रखी है। इसका यहाँ पे तो खैर अभी कोई यूज़ नहीं है सच, लेकिन ये हमें फाइंड करनी है क्लास बाउंड्रीज की कैसे आई हैं। ये देखिए, आपको क्या करना है कि ये कोई से भी दो कंजेक्टिव मिड पॉइंट्स ले लेने हैं। जैसे कि आपके पास ये 15 और 25 है, तब ये दोनों कंजेक्टिव हैं। अब इस 25 में से आपने 15 को माइनस कर देना है तो डिफरेंस आ जाएगा 10, यानी 25 में से 15 माइनस किया तो 10 आ गया। अब इस डिफरेंस को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। जब 2 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। ये जो 5 आया है ना, उसको इसी मिड पॉइंट में माइनस कर देना है और इसी मिड पॉइंट में ऐड कर देना है। आप इसी में अगर इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 10, इसी में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 20। इसका मतलब 10 मिनिमम और 20 मैक्सिमम, मतलब लोअर क्लास बाउंड्री 10 और अपर क्लास बाउंड्री 20। 25 में, यानी अगले मिड पॉइंट के साथ भी इसी तरह करना है। इसमें 25 में 5 माइनस करें तो 20 और 25 में 5 ऐड करें तो 30, तो मतलब 20 से 30, तो ये देखें ओवरलैप हो गया, 20 20 आ गया। 35 है तो इसमें 5 माइनस करेंगे तो 30 और 5 ऐड करेंगे तो 40, तो 30 और 40, ये 30 और 30 आ गया, ओवरलैप कर गया। 45 है तो 45 में 5 माइनस करें तो 40 और 5 ऐड करें तो 50, और ये 40 40 सेम आ गया। 55 है तो 5 माइनस किया और 5 ऐड किया तो 50 50, ठीक है। तो मतलब आपको समझ लगी होगी यहाँ पे कि ये इसका तरीका है। नीचे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू कंजेक्टिव गिवन मिड पॉइंट्स, जैसे कि 25 में से 15 माइनस किया तो 10 आ गया। टेक द हाफ ऑफ इट, उसका हाफ ले लीजिए, 10/2 जो कि 10 ये वाला है, और 2 पे डिवाइड किया 5 आ गया। सब्ट्रैक्ट दैट हाफ, दैट हाफ ये जो 5 आया है, इन द गिवन मिड पॉइंट टू गेट द लोअर क्लास बाउंड्री, एंड ऑल्सो एड टू द सेम मिड पॉइंट टू गेट द अपर क्लास बाउंड्री। उसी में आपने उसको ऐड कर देना है, यानी इसी में माइनस, इसी में ऐड, इसी में माइनस, इसी में ऐड, इसी में माइनस, इसी में ऐड, इसमें माइनस ऐड, इसी में माइनस, इसमें ऐड, तो आपके पास ये बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी मल्टीपीडिया की ये वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको फिर आप डिसलाइक करें और शेयर तो फिर क्या करना है, कमेंट्स में आप हमें बताएं कि इसको हम इम्प्रूव कैसे करें। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।